16 साल पहले रामचंद्र छत्रपति पत्रकार की सरसा में राम रहीम डेरा के समर्थकों ने हत्या की थी, जिससे उस समय भी हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में पत्रकारों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। आज जो अदालत ने फैसला सुनाया है, इससे उस परिवार को, रामचंद्र छत्रपति के परिवार को न्याय मिला है। इससे अदालत के प्रति, कोर्ट के प्रति लोगों में एक आस्था जगी है। और मैं उस परिवार को, जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़के आज न्याय हासिल किया है, उसको बधाई देता हूं। साथ ही अदालत का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कसूरवार को सजा सुनाकर एक सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए सभी भारत के जितनी भी अदालतें हैं, सब धन्यवाद की पात्र हैं। आज न्यायालय के माध्यम से भारत में पत्रकारिता को एक बहुत बड़ा न्याय मिला है। बेशक न्याय लंबी प्रक्रिया के बाद 16 वर्ष के बाद मिला, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं बधाई दूंगा मृतक के परिजनों को कि उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया और आज न्याय मिला। ये जो न्याय है, ये देश के हर उस व्यक्ति के लिए जो लेखक है, कवि है, साहित्यकार है, या जो सृजन में विश्वास रखता है, पत्रकारिता में विश्वास रखता है, आज भारत में पत्रकारिता जिंदा हो गई। और वो लोग जो पत्रकारों को भयभीत करते हैं, डराते हैं या धमकाते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए पत्रकारिता का शोषण करते हैं, उनके लिए ये करारा जवाब है कि भारत जिंदा रहेगा लोकतंत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से। मैं एक बार फिर पुनः इस परिवार को, जिनको आज न्याय मिला, न्याय तो पूरे ही पत्रकार जगत को मिला है, और मैं उस न्यायाधीश महोदय को भी, जिन्होंने आज बहुत बढ़िया निर्णय दिया। और राम रहीम जैसे लोग इस देश के लिए कलंक है, वो कभी रहने नहीं चाहिए, उनके लिए सजा कम है। मेरा मानना यह है कि राम रहीम जैसे ढोंगी आदमी के पर्दाफाश करने में जो पत्रकारों की भूमिका रही है, उसके अंदर रामचंद्र छत्रपति को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसके लिए हमारे पानीपत के पत्रकारों ने भी संघर्ष किया था कि राम रहीम को सजा मिले। और इस छत्रपति ने जिस ढंग से इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोला है, वो अपने आप में एक उपलब्धि है और पत्रकार तो नए पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। मैं ये समझता हूँ कि ये सजा, इसको जो पहले मिल रही है उससे ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तभी उसके परिवार को राहत मिलेगी और एक उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए उस परिवार को, छत्रपति के परिवार को। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने जो सजा दी है, उसके लिए उनका, रामचंद्र जी का परिवार जो है, वो कुछ राहत की सांस लेगा। और इससे स्पष्ट होता है कि जो से बहुत बड़े आदमी, बड़े लोग होते हैं, अगर वो कुछ भी करते रहें, अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गोली से उड़ा दिया जाए। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है और कोई बात कह तो उसके बारे में बोलता है, तो उसके लिए ये नहीं है, सजा नहीं होनी चाहिए। आप उसको मंथन करो कि ये कह रहा है, जो कोई ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है। अगर वो ठीक कह रहा है तो उसके ऊपर आपको रुकना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि निंदक नेरे राखिए, हमेशा निंदक को नज़दीक रखना चाहिए, उससे हम सीधे रास्ते पर चल सकते हैं और सीधे रास्ते पर चलेंगे। इसलिए राम रहीम को जो सजा दी गई है, वो लोग, आम लोगों के लिए, जो गरूरी लोग हैं, गरूर समझते हैं अपने आप को, दम्भी लोग हैं, उनके लिए एक विशेष तौर पर ये शिक्षा है। आज जो सीबीआई कोर्ट द्वारा फैसला आया है, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्यारों को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है, वाकई तारीफ़ के काबिल है। मैं उन परिवार वालों को बधाई देना चाहूँगा जो 16 साल लगातार ऐसे हत्यारे के साथ लड़ते रहे, जिनका खौफ पूरी दुनिया में था। तो ऐसे में पत्रकारों में खुशी की लहर तो है ही, साथ ही कोर्ट के ऊपर भी आमजन का एक बार फिर विश्वास बढ़ा है। साध्वी यौन शोषण के मामले में पहले ही राम रहीम अंदर है और लाइफ टाइम की सज़ा, यानी कि मरते दम तक गुरमीत राम रहीम अंदर ही रहेगा। और साथ ही जो अन्य दो आरोपी थे, उन्हें 3 साल की सज़ा और हुई है। आर्म एक्ट के तहत भी उन्हें
सजा सुनाई गई है। तो एक बार फिर मैं पत्रकार छत्रपति के जो बेटे हैं, परिवार वाले हैं, उन्हें बधाई देता हूँ। 16 साल तक उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा और ख़ास तौर पर कोर्ट में जो ये फैसला किया है, तो एक बार फिर से वो भी बधाई के पात्र हैं। और आज पूरा देश, पूरे पत्रकार जगत में खुशी की लहर है कि पत्रकार के हत्यारे को कोर्ट ने इतनी बड़ी सजा दी है।